महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। वैसे तो साल भर में कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार आता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। कुछ चीज ऐसी है जो भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व रखती है, इसके बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसे बेलपत्र, जल, धतूरा इत्यादि। वहीं महाशिवरात्रि से पहले अगर कुछ वस्तुएं आपको मिल जाती है तो किसी खजाने से कम नहीं माना जाता। क्या है वह वस्तुएं, जानते हैं देवघर के ज्योतिष आचार्य जी से। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। 2024 8 मार्च को शिवरात्रि का व्रत पूरे देश में मनाया जाएगा। फागुन महीना जो ही प्रवेश करता है त्यों ही शंकर का नाम आता है, शंकर जी की पूजा होती है। यदि शिवरात्रि के पहले पूजा के दरमियान में यदि पंचमुखी बेलपत्र मिल जाए अभी से लेकर के शिवरात्रि के बीच में, यानी शिवरात्रि जो 8 मार्च को होने जा रहा है उससे पहले यदि पंचमुखी बेलपत्र मिल जाए या पंचमुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ जाइए आपका यह पूरा वर्ष सौभाग्य के साथ व्यतीत होगा। यदि मिल जाए तो करना क्या है, उस बेलपत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ाना है, अर्पण करना है, और पंचमुखी रुद्राक्ष भी शंकर जी के ऊपर अर्पण करके यदि उसको आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं और बेलपत्र को अपने तिजोरी में रखते हैं या अपने घर में रखते हैं, पूजा स्थान में रखते हैं, तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होगा और धन की वृद्धि होगी। यदि बेलपत्र को आप तिजोरी में रखते हैं तो वह तिजोरी कभी आपका खाली नहीं होने वाला है, आपके घर में शांति और खुशहाली बनी रहेगी, पूरे परिवार का मन शांत रहेगा। और यदि स्वप्न में शंकर भगवान का दर्शन हो जाए या काला नाग दिख जाए तो आप समझ जाइए कि आपका भाग्योदय होने वाला है। देवघर के ज्योतिष आचार्य पंडित नंद किशोर बताते हैं कि कई वस्तुएं ऐसी हैं जो भगवान शिव को अत्यंत पसंद है। अगर महाशिवरात्रि से पहले यह वस्तु आपको मिल जाती है तो किसी खजाने से कम नहीं माना जाता। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र ही भगवान शिव पर अर्पण किया जाता है, लेकिन अगर आपको 5 पत्ते वाला बेलपत्र और 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो ये हुआ कि आपका भाग्य जाग जाएगा। लोकली टीम देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। ये वीडियो ज्योतिषाचार्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।